गुड मॉर्निंग एवरीवन, करंट अफेयर वैक्सीन का हम पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक, टेलीग्राम की वो जो लिंक है वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को पा सकते हैं। हम करंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश और इंडिया का करंट अफेयर कवर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ 15 से 20 ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें हम फालतू का करंट अफेयर ना भरते हुए केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। प्रत्येक वीडियो को देखिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप करंट अफेयर वैक्सीन भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर के सारे वीडियो वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं करंट अफेयर वैक्सीन पार्ट 3 की। पहला पॉइंट जो है, हाल ही में भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर खिताब चेस का किसने जीता? तो अर्जुन कल्याण ने ये खिताब जीता हुआ है। ये हमारे करंट का क्वेश्चन बना हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है और देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो ज़्यादातर इस कोविड-19 से प्रॉब्लम में आ रहा है, ट्रबल में आ रहा है। उनकी फैमिली के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ गया है क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। तो उसी के चलते उनका जो बीमा योजना का जो टेन्योर है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। हाल ही में शंख घोष का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये जो हैं एक बंगाली कवि थे। इनका जो शंख घोष जो हैं एक बंगाली कवि के रूप में फेमस थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य ने जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते ने जो है माउंट अन्नपूर्णा को पहली बार फतह करने वाली भारतीय महिला बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में खनन फॉर्म वेदांत ने MSME क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये साथी कार्यक्रम जो है खनन फॉर्म वेदांत ने शुरू किया है, साथी कार्यक्रम, और ये MSME के लिए चालू किया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इनको रट लीजिएगा। प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश करने से रोकने के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी देश के साथ भारत ने समझौता किया है कि महासागर के प्रदूषण को दूर किया जा सके और प्लास्टिक का जो कचरा है वो महासागरों में ना जाए, इसके लिए जर्मनी से समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन हो गए हैं? तो गिरीश गौतम को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये कुछ दिन पहले की बात है, उतना करंट अफेयर ताज़ा नहीं है लेकिन फिर भी ये कुछ दिन पहले का ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस जिले में स्थित बानकपुर धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई? तो वो दमोह जिला है जहाँ से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूर पर जागेश्वर धाम है जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है बानकपुर में, उसको अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो कोरोना की समस्या को देखकर ऑक्सीजन का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के 8 जिलों में जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का हाल ही में जो नदीम श्रवण की जोड़ी है उसमें से किसका निधन कोविड-19 की वजह से हो गया? तो नदीम श्रवण की जो जोड़ी है उसने बहुत शानदार म्यूज़िक दिया हुआ है इंडस्ट्री में, तो ये जो है निधन जो है इनका 22 तारीख की रात को हो चुका है और इन्होंने बहुत सारे फेमस गाने दिए हुए हैं। जैसे हम गूगल करते हैं तो दिल ने ये कहा है, दिल से, ये धड़कन फिल्म में इन्हीं का म्यूज़िक था। दूल्हे का सहरा जो गाना है बहुत फेमस, उसमें भी नदीम श्रवण की जोड़ी का म्यूज़िक था। एक दिलरुबा है, इस गाने में भी नदीम श्रवण का म्यूज़िक था। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, दीवाना फिल्म का गाना, इसमें भी नदीम श्रवण का म्यूज़िक है। साथ ही सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे कि नहीं, दीवाना मूवी का गाना, इन सारे फेमस गानों को जो है नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया हुआ है। और इसमें से नदीम श्रवण की जो जोड़ी है इसमें से श्रवण का जो है निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हम कामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर, ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देवदत्त पड्डीकल और वाशिंगटन सुंदर जो कि क्रिकेटर हैं उनको जो है प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो स्पोर्ट्स के जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, शूज़ होते हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं वो प्यूमा जो है प्रोडक्ट
बनाती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी इनके एथलीट को ही बनाया जाता है प्रायः। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर का निधन हुआ, उनका क्या नाम था, तो एम नरसिम्हन जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। और वर्तमान में अगर हम RBI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनके वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में IFFCO ने किस राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है, तो गुजरात राज्य में जो है IFFCO जिसे हम बोलते हैं IFFCO के द्वारा जो है ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जा रहा था। तो ये करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे जो आपके परीक्षक के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन सारे जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय SB स्टूडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।